हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट जीतू। देखिए, भगवान शंकर के ससुराल से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। माता सती के जन्मभूमि से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। राजा दक्ष के कर्मभूमि और तपोभूमि से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं हूँ अभी देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में, और हरिद्वार के कनखल में हूँ मैं। और आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ दक्षेश्वर महादेव के। देखिए, ये कनखल है भगवान शंकर का ससुराल है। और देखिए, दक्षेश्वर मंदिर में एंट्री करते ही आपको देखिए यहाँ पर दर्शन हो जाएंगे। ये उस समय का दृश्य है जब भगवान शंकर माता सती को उठा के ले जा रहे थे। और देखिए, यहाँ पर इस मंदिर की क्या कहानी है ये मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। सामने ही है दक्षेश्वर महादेव मंदिर और एंट्री आगे से है, ठीक है, एंट्री आगे से है दक्षेश्वर महादेव के मंदिर के। अलावा आपको यहाँ पर शीतला माता मंदिर के दर्शन कराऊंगा मैं, और माता सती का जो जन्म स्थान है उनका भी दर्शन, वहाँ का भी दर्शन मैं आपको कराने वाला हूँ। और देखिए, इसके अलावा श्री श्री दस महाविद्या मंदिर है यहाँ पर, तो ये सारे दर्शनीय स्थल हैं। और यहाँ की क्या कहानी है ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जो आपका दक्षेश्वर महादेव मंदिर है उसके बारे में यदि आपको डिटेल में जानना है तो आप लोग यहाँ से देख ले, पढ़ सकते हो आप लोग। और देखिए, जो आपका हर की पौड़ी है, हर की पौड़ी से 5 किलोमीटर है, माया देवी मंदिर से 4 किलोमीटर है, मनसा देवी मंदिर से 6 किलोमीटर, चंडी देवी मंदिर से 5 किलोमीटर। और देखिए आप लोग, तो ये हर की पौड़ी से सबसे पास में पड़ेगा दक्षेश्वर महादेव मंदिर जो है वो। जो माता सती का जन्म स्थान है उसके लिए आप लोगों को यहाँ से सीधे जाना होगा, ठीक है। और जो यज्ञशाला है, यज्ञशाला आपका यज्ञ कुंड जो है वो आगे एंट्री करते ही आपको यज्ञ कुंड मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए, यहाँ की कहानी कुछ ऐसी है कि जो माता सती के जो पिता थे, राजा दक्ष जो थे, यहाँ पर भगवान शंकर और माता सती का विवाह यहीं पर हुआ था, इसी पवित्र स्थान पर, इसी पवित्र धरती पर विवाह संपन्न हुआ था। और देखिए, मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो प्रवेश द्वार है वो सामने है, प्रवेश द्वार सामने है। यहाँ भी आपको शिवलिंग के दर्शन प्राप्त होंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर हवन कुंड, उसके बाद आपको आगे जाके दक्षेश्वर महादेव के दर्शन प्राप्त होंगे, जहाँ पर आप जल भी अर्पित कर सकते हो, जलाभिषेक भी वहाँ पर कर सकते हो। और देखिए, यहाँ पर गंगा जी का घाट भी है, तो गंगा जी में आप स्नान भी कर सकते हो, ठीक है। दक्षेश्वर महादेव के दर्शन प्राप्त करके बाहर निकलोगे तो आपको सामने ही देखिए मंदिर श्री श्री दस महाविद्या में आपको दर्शन करना है। उसके बाद आपको माता सती का जो जन्म स्थान है वहाँ तक जाने के लिए ये रास्ता है, तो वहाँ भी चल के वहाँ का भी आपको मैं दर्शन कराता हूँ। इसके लिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं, माता सती के, दक्षेश्वर महादेव के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इधर जब आप आओगे तो देखिए सामने है प्राचीन श्री शीतला माता मंदिर, और माता सती का यहाँ पर जन्म स्थान है, तो माता सती के, शीतला माता के दर्शन प्राप्त होंगे। और इसके अलावा गंगा माता का मंदिर है, गंगा माता के मंदिर के आगे जब आओगे तो यहाँ पर देखिए घाट बना हुआ है, ठीक है, गंगा जी का, तो यहाँ पर आप स्नान कर सकते हो। और देखिए, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने मात्र से जो आपके पूर्व जन्म के पाप होते हैं वो मिट जाते हैं, ठीक है, समाप्त हो जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर स्नान करके, बिल्कुल घाट स्वच्छ साफ सुथरा है, यहाँ पर स्नान करके दर्शन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। माता सती और भगवान शंकर का विवाह यहीं पर संपन्न हुआ था। विवाह संपन्न होने के बाद जो राजा दक्ष थे उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, आमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर और माता सती को नहीं बुलाया, जो कि अपने ही बेटी दमा थे, उनको नहीं बुलाया उन्होंने इस यज्ञ में, क्योंकि वो भगवान शंकर से थोड़ा सा नफरत करते थे, ठीक है। उसके बाद माता सती को ये खबर मिली कहीं से, ठीक है, कि उनके ही पिता यज्ञ करवा रहे हैं, और उस यज्ञ में उनके पति को नहीं बुलाया और उनको नहीं बुलाया। तो देखिए, मायका होता है अपना घर होता है, ठीक है, जो जन्म स्थान होता है अपना घर होता है, और अपने घर में जाने के लिए किसी भी निमंत्रण की ज़रूरत नहीं होती है। तो माता सती भगवान शंकर से आज्ञा लेके वो
अपने मायके में आ गई। मायके में आने के बाद उन्होंने अपने पिता से क्वेश्चन किया, प्रश्न किया कि आपने सभी देवी देवताओं का स्थान यहाँ पर दिया है, तो भगवान शंकर जी का यहाँ पर स्थान क्यों नहीं दिया है। तो उस समय क्या है ना, राजा दक्ष ने काफ़ी बेइज्जती की भगवान शंकर की, काफ़ी उल्टा सीधा उनको कहा। उसके बाद क्या हुआ कि माता सती को काफ़ी बुरा लगा और उन्होंने योग माया विधि के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। और जैसे ही ये बात भगवान शंकर को पता चली, ठीक है, वैसे ही उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया और वीरभद्र यहाँ पर आए और राजा दक्ष का मुंडी उन्होंने काट दिया। ठीक है, अब राजा दक्ष तो अमर थे, तो उनका सिर दर्द से अलग हो गया, लेकिन उनका सिर अमर था। कट जाने के बाद भी वो अमर थे, लेकिन क्या है कि उनका जो यज्ञ था वो यज्ञ अधूरा ही रह गया था। तो भगवान विष्णु के रिक्वेस्ट करने के बाद भगवान शंकर आए और उन्होंने उस यज्ञ को पूरा किया और उनकी जो मुंडी थी उसकी जगह किसी और बकरे का मुंडी उनके ऊपर लगा दिया और उनका जो यज्ञ है वो संपन्न कराया। ठीक है, यज्ञ संपन्न कराया। और उसके बाद जैसे देखिए, जो यहाँ पर हमारे हिंदू धर्म में 51 शक्तिपीठ हैं, उनकी उत्पत्ति यहीं से हुई थी। भगवान शंकर जब पृथ्वी पर घूम रहे थे माता सती को लेके, तो उस समय भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया था और सुदर्शन चक्र चलाया था सती जी का, माता सती का जो भी अंग जहाँ जहाँ गिरा उतने जगह 51 जगह आपके 51 शक्तिपीठ बन गए। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी आपकी भगवान शंकर के ससुराल कनखल की, राजा दक्ष के तपोभूमि कनखल की, माता सती के जन्म स्थान कनखल की। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। और देखिए, अभी हम हरिद्वार से जाएंगे सोनप्रयाग के लिए, तो आने वाले आगामी दिनों में आपको केदारनाथ यात्रा की भी वीडियो हम आपके लिए लाएंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।